नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और एक प्रसन्न मन से इस क्लास में आए होंगे। साथियों, मैं प्रेयर करके क्लास को शुरू करता हूँ। फर्स्ट प्रेयर, ओम शाना ववतु शहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। सेकंड प्रेयर साथियों, राष्ट्रगान है। हम लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर कर लेंगे स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. साथियों, पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम लोग अग्निसार क्रिया की चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं क्लास को शुरू करता हूँ। मैं आप सभी से क्लास को शुरू करने की आज्ञा चाहता हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। साथियों, जो देशों की तीन प्रार्थना तो हमने कर ली और चर्चा का उद्देश्य, आज की चर्चा का उद्देश्य और यही है कि बिना दवाओं के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारतीय ऋषियों द्वारा खोजी गई शरीर शोधन क्रियाओं को पुनः स्थापित करना, समाज में पुनः स्थापित करना। और शरीर शोधन क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इनका जेनेरिक जो नेम है त्राटक, नेति, कपाल भाती, धौती, नौली और बस्ती। शरीर शोध जो इधर दाहिने साइड में साथियों आपको स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है, इसमें देखिए कौन सी क्रिया किस अंग के लिए लाभदायक है यह लिखा हुआ है। त्राटक क्रिया आंख और सिर के एरिया का टॉक्सिन निकालती है। जल नेति, सूत नेति और जल कपाल भाती क्रिया और नय नेति, यह सब आंख और नेजल पैसेज और गले के क्षेत्र के एरिया की सफाई के लिए लाभदायक है। कपाल भाती जो क्रिया है यह सीने के एरिया वक्षस्थल की सफाई के लिए लाभदायक है। आज जो हम क्रिया करेंगे वह अग्निसार क्रिया है। तो वस्त्र धौती, दंड धौती और अग्निसार, यह तीनों क्रियाएं पेट के एरिया की गंदगी के लिए लाभदायक हैं। और एनस के एरिया जो कोलोन क्लिंजिंग के लिए जल बस्ती क्रिया लाभदायक है। तो देखिए यह क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग क्रिया अलग अलग जगह पे लाभदायक है। अच्छा साथियों, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर पढ़ देता हूँ। और इस कार्यक्रम ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, चर्चा, वेबसाइट में निहित
किसी भी सलाह को चिकित्सकीय सलाह नहीं माना जाएगा न माना जाता है। कृपया अपने चिकित्सक चिकित्सा विशेषज्ञ के साथ विस्तार से चर्चा किए बिना एवं उससे संतुष्ट हुए बिना अपनी जीवन शैली में खान पान की आदत में कोई बदलाव न करें और न ही किसी क्रिया का अभ्यास करें। लेखक, वक्ता, प्रस्तुतकर्ता, देशयोग, देशयोग टीम, देशयोग वॉलेंटियर किसी भी घटना में किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दंडात्मक विशेष आकस्मिक या अन्य परिणामी क्षति के लिए किसी भी पार्टी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी उपयोग से अथवा किसी भी अभ्यास से उत्पन्न होती है। यह चर्चा केवल सामान्य स्वास्थ्य के उद्देश्य से की जा रही है, आयोजित की जा रही है। यही चीज साथियों इंग्लिश में भी लिखा है, आप देखिए। और फिर से मेरा निवेदन है कि कोई भी क्रिया करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से, क्योंकि आपके डॉक्टर ही आपको बेहतर तरह से जानते हैं। मैं आपसे रिमोटली कनेक्टेड हूँ, मैं आपकी हिस्ट्री नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ इलाज चल रहा है उनके पास रिपोर्ट है, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए संतुष्ट हो जाएं। और ये अगर कोई क्रिया करते समय किसी भी तरह की आपको फीलिंग आए, कुछ असहज महसूस हो, तो जरूर डॉक्टर साहब से मिले। चलिए साथियों, आज का जो क्लास है अग्निसार क्रिया की क्लास है। अग्निसार क्रिया किन किन रोगों में लाभदायक है अगर हम ये देखें तो ये समझें कि जो इधर राइट साइड में जो बैनर लगा हुआ उसमें देखें, पाचन तंत्र के सभी रोगों। अच्छा, मेरा एक निवेदन है क्लास शुरू करने से पहले, मैं एक मिनट चाहे रुक जाता हूँ, आप लोग पेन पेपर ले लीजिए, पेन पेपर लेके बैठ जाए और जो जरूरी बातें लगे उसको लिखते जाए। मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे चलने की, आप लिख भी लें चीजों को जिससे आपको बाद में याद रहे। तो मैं एक मिनट, वो आप लोग पेन पेपर ले लें, जो लिए होंगे उनके लिए अच्छी बात है। तो अग्निसार जो क्रिया है यह पाचन तंत्र के सभी रोगों जैसे मुंह में छाले पड़ना, टेस्टलेस की अवस्था, कब्ज, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, अपच और गैस होना, पाइल्स, थायराइड, गले की खराश, नींद नहीं आना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्रोध, चिड़चिड़ा स्वभाव, एंजाइटी, बीपी, मुहासे, एक्नी, मस्से इत्यादि में लाभदायक है। और ठीक, और यह क्रिया वास्तव में जैसे आप समझिए वैक्यूम क्लीनर, वो अभी अगली स्लाइड में है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात, ठीक है, आपने पेन पेपर ले लिया होगा, इस क्रिया का नाम अग्निसार क्यों पड़ा? जैसे साथियों एक ब्रह्मांड बाहर है, उसमें सूरज है। अगर आप सोचिए सूरज न रहे, सूरज को मैं किसी तरह स्विच ऑफ कर दूं, क्या पूरे ब्रह्मांड की क्रिया विधि चलेगी? सब रुक जाएगा। सूरज से ही पूरी कायनात चल रही है, हमारा सौर मंडल पूरी इसी सूरज से चल रहा है। अगर आप समझ रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं कि बाहर ये जो सूरज है बंद हो जाए तो सौर मंडल की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, साथियों ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक सूरज है। अगर वो नहीं जलेगा, नहीं चलेगा, तो हमारे पूरे शरीर की क्रिया वो ही रुक जाएगी। उस सूरज का नाम है मणिपुर चक्र, ऐसा समझे, नाभि के पास यह पाया जाता है। मणिपुर चक्र एक्टिवेट रहे तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, पेट के एरिया के सारे अंग सही सही काम करते हैं। आपने जठराग्नि का नाम सुना होगा, जठराग्नि बेसिकली उसी जो डाइजेस्टिव फायर है, जो समान वायु है, वायु एक, अभी मैं आगे डिस्कस करूं वायु वगैरह क्लास में रहे, समान वायु प्राण अपान और समान को एक्टिवेट करता है। तो यह अग्निसार क्रिया वास्तव में जो हमारा शरीर एक ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड में डाइजेस्टिव फायर को प्रज्वलित करती है, जठराग्नि को बनाती है, यह समान वायु को प्रज्वलित करती है, इसीलिए इसका नाम अग्निसार रखा गया है। हमारे शरीर की अग्नि को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसको ऊर्जा देती है।
साथियों अगला पॉइंट है, अग्निसार को कुछ लोग एक प्राणायाम की तरह भी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं अग्निसार प्राणायाम कर रहा हूँ। अग्निसार एक प्राणायाम नहीं है, यह शरीर शोधन क्रिया है जो पेट के एरिया का टॉक्सिन निकालने का काम करती है। अग्निसार का जो मुख्य काम है पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना और सुदृढ़ करना। अग्निसार क्रिया करने से और भी बहुत सारे फायदे आते हैं। अग्निसार क्रिया का डायरेक्ट जो बेनिफिट है शुगर, शुगर वाले लोगों को अग्निसार करने में डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। बीपी वाले लोग, जिनका बीपी हाई है, वो अग्निसार क्रिया अवॉइड करें। अग्निसार के अन्य फैटी लीवर ठीक हो जाता है, किडनी का कोई इशू ठीक हो जाता है, ये सब बाई प्रोडक्ट है। असली काम अग्निसार का है पाचन तंत्र को सुदृढ़ करना। चले अब आगे चलते हैं। ये देखिए अग्निसार का महत्व समझाने के लिए ये बना है। पेट के एरिया को क्लीन कर, जैसे 10 क्रियाएं देह सुग्म में सिखाई जाती हैं, उसमें से 5 क्रिया ऐसी है सिर्फ और सिर्फ पेट के रीजन को सही करने के लिए है। और साथियों जैसा आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 95% रोग पाचन शक्ति की कमजोरी की वजह से आते हैं। अगर आप इन पाचन क्या कहते हैं पाचन शक्ति को, पाचन तंत्र को मजबूत रखें, डाइजेस्टिव फायर को, तो आप अपने जीवन में आने वाले 95% रोगों को दूर कर सकते हैं। तो ये जो 5 क्रियाएं जो पेट के एरिया में काम करती हैं, कौन कौन सी हैं? कपाल भाती, दंड धौती, वस्त्र धौती, अग्निसार और जल भस्ती, ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करती है। कपाल भाती को कहा जाता है कि झाड़ू, जैसे आप कभी घर में गंदगी लगा, आपके घर में गंदगी हो तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या वैक्यूम क्लीन थोड़ा करते हैं, पहले आप झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर हम लोग पोंछा लगाते हैं। अब पोंछा लगाने के बाद जो इसके बावजूद भी जो छोटी छोटी गंदगी बची वो अग्निसार क्रिया करते हैं, वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं। आपने देखा वैक्यूम क्लीनिंग कैसे मशीन होती है, वैक्यूम क्रिएट करते हैं और गंदगी को खींच लेता है। तो वैक्यूम क्लीनिंग में जो छोटी छोटी गंदगियां हैं वो भी निकल आती हैं। तो झाड़ू, पोंछा और वैक्यूम क्लीनिंग, तो जो ये 5 क्रियाएं हैं जो पेट के एरिया के लिए हैं, इसमें वैक्यूम क्लीनिंग, अग्निसार जो आज हम सीखेंगे यह वैक्यूम क्लीनिंग का काम है। आज सबसे माइन्यूट गंदगी निकलेगी, ठीक है। इसलिए आप अग्निसार क्रिया, आज की क्रिया का महत्व समझ गए हैं। आज हम सबसे अच्छी, सबसे कहें कि सूक्ष्म रूप से सफाई करने चल रहे हैं। वो गंदगियां जो झाड़ू में, जो पोंछे में नहीं निकल पाती, वो वैक्यूम क्लीनिंग अर्थात अग्निसार में निकलेंगी। अच्छा, अग्निसार क्रिया के कुछ अन्य फायदे, जैसे मैंने बताया कि जो पाचन तंत्र को मजबूत करना, जो फायदे हैं प्रसिद्ध फायदे, वजन घटाता है, कब्ज को ठीक करता है, रक्त प्रसंचरण सही करता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, नसों को की कमजोरी का प्राकृतिक इलाज है, शुगर और शुगर जनित समस्याओं को ठीक करता है, या इसके फायदे, ये प्रसिद्ध फायदे हैं जो कह सकते हैं। तो ये सारे देखेंगे मोर और लेस सब पाचन तंत्र की ही बात है, ठीक है। पाचन तंत्र सही रहे तो आपका वजन घटेगा, कब्ज घटेगा, पेट की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपने इसको समझ लिया होगा। मैं आगे चलता हूँ। कौन नहीं करेगा यह जरूर सबसे पहले ध्यान रखना है, और कब करना है, कितनी बार करना है। बीपी वाले लोग, जिनका बीपी हाई है, वो लोग इसको न करें तो अच्छा है, ठीक है। हालांकि ये जहां बेनिफिट लिखा कहा जाता है इसका बीपी ठीक भी होता है, बीपी वाले को मना किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कंट्रोल से, लेकिन बीपी वाले लोग अवॉइड करें। अन्य तरीके हैं बीपी ठीक करने, बहुत सारे तरीके हैं। गर्भवती महिलाएं इसको न करें, और ऐसे लोग जिनका पिछले 6 महीने में ऑपरेशन हुआ है, कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, अभी भी इलाज चल रहा है और सामान्य जीवन शुरू नहीं हुआ है, तब आप अग्निसार क्रिया न करें। जब सामान्य जीवन शुरू हो जाए तब आप अग्निसार क्रिया करें, बेहतर है। कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, अपने डॉक्टर और चिकित्सा विशेषज्ञ से एक बार पूछ लें कि मैं अग्निसार क्रिया करूँ क्या,
और कभी कभी क्या होता है लोग अपने आप ही शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने आप शुरू कर रहे हैं तो 2, 4, 6, 10 दिन में कोई भी असहज फीलिंग आए तो इसको ना करें, ठीक है, यह ध्यान रखना। कब करना है, इसको प्रतिदिन सुबह करना है और खाली पेट करना है। कितनी बार करेंगे अब मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। तो 3 राउंड आपको करना है, 3 राउंड से या 1 राउंड से शुरू करें, 3 भी क्यों, 1 से शुरू करिए, बढ़ाइए, बढ़ा के 20 तक ले जाइए। जैसे 1 राउंड किया या 3 राउंड, जैसे लिखा मान ले 3 राउंड किया, अब अगले 1 वीक तक 3 राउंड ही करिए, फिर अगले वीक 4 राउंड कर दीजिए, वो फिर 1 वीक तक 4 राउंड करिए, फिर 1 वीक तक, 1 वीक बाद उसको 5 राउंड करिए। ऐसा कर करके 20 सप्ताह में आप 20 राउंड तक ले जाए। 20 राउंड बहुत है, करने को आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो सामान्य सांसारिक लोग हैं, हमें बेनिफिट लेना है इनका, तो हम बस 20 तक में बेनिफिट अच्छे मिलने लगते हैं। प्रक्रिया देखिए, इसमें प्रक्रिया क्या है, पूरी प्रक्रिया मैं बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं। इसका जो इस प्रक्रिया अग्निसार क्रिया को बैठने, पहले से बैठने का तरीका, हम सब सिद्धासन में बैठते हैं, तो सिद्धासन में कैसे बैठते हैं वो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेट पूरे पैर को ऐसे फैला लेंगे, पैर फैला लिया, एक पैर दाहिना या बायां जो भी है आप एक पैर को मोड़ेंगे, जैसे मैं मान लीजिए बायां मोड़े, दाहिना मोड़ता हूँ, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, एड़ी से पेरेनियम के एरिया को प्रेस करेंगे। पेरेनियम क्या होता है, हमारा जेनाइटल ऑर्गन और एनस के बीच में जो खाली एरिया है, इस एरिया को पेरिनियम कहते हैं, यहीं पे कुंडलनी शक्ति हमारी निवास करती है। तो पैर को मोड़े और पेरिनियम को प्रेस, जो लोग प्रेस कर लेंगे ठीक है, जो नहीं कर पाएंगे कि जो जैसे बैठता है वैसे बैठ, मैं आपको बेस्ट पोस्चर बता रहा हूँ। तो एक पैर मोड़ा, पेरिनियम को प्रेस किया, दूसरा पैर मोड़ा और इसका एंकल ज्वाइंट नीचे वाले एंकल ज्वाइंट के ठीक ऊपर ऐसे रखें और हाथ को ऐसे सामने, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे यानी ऐसे भी करें और ऐसे जो आपको कंफर्टेबल लगे, मैं जनरली ऐसे करता हूँ, आपको जो कंफर्टेबल, इसको कहते हैं इस तरह से बैठ जाए, बैठ जाए और स्पाइनल कॉर्ड, नेक और हेड एकदम सीधा, स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी, गर्दन और हेड ऐसे खींच के बैठे एकदम स्ट्रेट बट रिलैक्स, ये ध्यान रखना। आप यानी सिद्धासन में बैठ गए स्ट्रेट बट रिलैक्स, आप क्या करेंगे, हम आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके कपालभाति, अगर क्रिया कभी देखे होंगे, सीखे होंगे या सीखेंगे, कपालभाति क्रिया में आंख बंद करके मैं गले पे ध्यान लगाने के लिए बोलता हूँ, यहाँ पर आंख बंद करके नाभि के एरिया पे ध्यान लगाना है, क्योंकि कपालभाति का मेन फोकस विशुद्धि चक्र है, गले का क्षेत्र, अग्निसार क्रिया का मेन फोकस क्या है, मणिपुर चक्र, नाभि का क्षेत्र। तो अब आंख बंद करके आप अपनी नाभि के बारे में सोचेंगे, नाभि के एरिया में ध्यान, सिद्धासन में बैठ गए, स्पाइनल कॉर्ड नेक एकदम सीधा, स्ट्रेट बट रिलैक्स और नाभि के एरिया पे ध्यान। जब आपको लगे कि आप नाभि के एरिया को पूरी तरह सोच पा रहे हैं, देख रहे हैं, आपको नाभि का एरिया दिखने लगा, इस समय अंदर की हवा को बाहर निकालना है। कैसे, कुछ लोग क्या होता है एक ही बबार में निकाल देते हैं, कुछ मैं 3-4 बार निकालता हूं एक, और हवा को बाहर निकालना है, निकाल के अंशांस नहीं लेना। देखिए ये क्रिया बहुत कठिन हो जाती है, एक कपालभाति या उन क्रियाओं से बहुत कठिन क्रिया, लेकिन मैं नाभि के एरिया ध्यान लगाया, फिर सांस छोड़ते हुए पूरे हवा को बाहर निकालना। यहां पर मैं आपको पेट दिखाऊंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे, आप मेरे पेट के एरिया को ध्यान से देखिए, नाभि थोड़ा देखना चाहिए, देखिए सिद्धासन बैठ गए, वो आप जानते हैं बैठना, इसको नहीं रिपीट कर रहा हूं। सिद्धासन बैठने के बाद
आंख बंद करके जब नाभि के एरिया पे ध्यान लगा लिया, अब नाक से पेट मुंह बंद करके फिर पूरी हवा को बाहर निकालना, देखिए पेट अंदर घुसना शुरू हो जाएगा। तब तक हवा को बाहर निकालना जब तक नाक से हवा निकलना बंद ना हो जाए। ऐसा नहीं कुछ लोग ऐसे करते हैं, एक ही बार कर लेते हैं, अच्छी बात है, देखिए मैं नहीं कर पाता, देखिए ऐसे नहीं, धीरे धीरे करके आपको निकाल लेंगे, मैं तीन चार बार निकाल रहा हूं, देखिए पहले आंख बंद कर नाभि पे ध्यान लगाए, जब ध्यान लग जाए अब जब पेट में की पूरी हवा बाहर निकल गई, अब कोई भी हवा निकलने नहीं बची, उस दौरान पेट एकदम अंदर घुस जाएगा, अब सांस नहीं लेना, सांस रोक कर पेट को आगे पीछे चलाना है, और जब अंदर पेट जाए तो यह होना चाहिए पूरे रीढ़ की हड्डी को टच कर रहा है, और जब बाहर पेट आए तो पूरी तरह से आप पेट को फुलाना है, पूरे प्रक्रिया में सांस नहीं लेना है, सांस लेकर सांस रोक कर करने में बहुत टफ हो जाता है, और कहीं सांस लेना ही नहीं है अंदर बाहर, और पेट को ऊपर नीचे, कुछ लोग गलती से ऊपर नीचे चलाएंगे, अब देखिए एक बार मैं करके दिखाता हूं, सिद्धासन में बैठ गया हूं, आंख बंद करके नाभि के एरिया ध्यान रहे, अब मैं बोलूंगा नहीं, इसके बारे में अभी मैंने इसे अंदर बार अंदर काउंट करते, जैसे काउंट करते जैसे मैंने 30 बार किया, अंदर वाले एक काउंट बाहर दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने ऐसा करके 30 राउंड किया। आप हो मेरा अभ्यास है तो मैं जल्दी कर लेता हूँ या कर पाता, आप हो सकता है इतनी देर तक सांस न रोक पाए, आप मैं कह रहा हूँ आप 2 राउंड से शुरू करिए, 1 राउंड से आप सिर्फ एक बार, बस एक बार कर दी, एक वीक तक लगातार करिए, फिर अगले वीक तक 2 राउंड करिए, फिर अगले वीक तक 3 राउंड, ऐसा कर करके आप धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, यह पूरी प्रक्रिया देखिए मैंने आपको समझा, इस दौरान सांस नहीं है, कुछ लोग ऐसे करते हैं ऊपर नीचे, ये सब हिलना, कंधा स्थिर रख के पेट को आगे पीछे चलाना है, कुछ लोग करते मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पेट को ऊपर नीचे करके दिखा नहीं पा रहा हूँ, देखिए मेरा अंदर ही जा रहा है, लेकिन कुछ लोग देखा हूँ ऊपर नीचे जाता है, ऊपर नीचे आप नहीं करेंगे यह ध्यान रखना है। तो मुझे लग रहा है मैं पूरी प्रक्रिया समझा पाया हूँ, इसमें एक बात जो बीपी वाले लोग हैं, जो पैंक्रियाज होता है वो मैं एक बात यहीं पे पैंक्रिया होता है, जब आप ऐसे कर रहे हैं तो डायरेक्ट पैंक्रिया का मसाज होता है, इसीलिए यह शुगर में बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, ऐसे जब आप किए इसमें ध्यान रखना पेट पूरा फुला, जल्दबाजी में ये नहीं खाली किया ऐसे नहीं, अंदर बाहर अंदर पूरा अंदर तक जाए, अंदर जाए तो रीढ़ की हड्डी को टच करे, बाहर आए तो पूरा
ऐसा पूरा अंदर तक जितना अंदर जा सके। मेरा यहाँ जो कि काफी फैट वाला एरिया है, तो मेरा फैट है तो अंदर, लेकिन जो एकदम पतले दुबले लोग एकदम चिपक जाता है अंदर, और फिर बाहर आके पेट पूरा फूल। ये तो अब बीपी वाले, जिनको बीपी नहीं वो तो ये कर लेंगे, और पैंक्रियाज यहीं पर है, पैंक्रियाज का मसाज होता है तो पैंक्रियाज उनका अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिनको बीपी है वो क्या करें, अब उनका पैंक्रियाज कैसे ठीक करें, उसके लिए एक क्रिया है सहज अग्निसार। मैं सहज अग्निसार भी बता देता हूं। सहज अग्निसार, ये बीपी वाले लोग सहज अग्निसार करेंगे, सामान्य लोग भी सहज अग्निसार कर सकते हैं। और जो सहज अग्निसार क्रिया है, इसमें कोई सांस का कोई प्रावधान नहीं, दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद न करें। बस आप दिन में मान लिया ऑफिस बैठे हैं, 3-4 बजे भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, अंगूठे को यहाँ रखेंगे, यहाँ जो ये साइड वाले वहां रखें, और ऐसा करेंगे चारों उंगलियां इस हाथ की चारों और इस हाथ की चारों नाभि के पास आ जाएंगे, और फिर इसको दबाएंगे। नाभि में चारों उंगलियों को ले जाके अंदर प्रेस करेंगे, बाहर अंदर प्रेस करेंगे, बाहर। इसमें सांस का कोई प्रावधान नहीं, जैसे आपकी इच्छा हो सांस आप नॉर्मल लेते रहे। अब जो जिन लोगों का बहुत मोटा यहाँ होगा, फैट होगा, वो यहाँ हाथ रखेंगे यहाँ तक आएगा नहीं, बोलता यहीं तक पहुंचे, आप फिर थोड़ा और आगे कर लें। मतलब उद्देश्य है कि चारों नाभि के पास ही पैंक्रिया है, उस एरिया को प्रेस करना। 1, 2, 3, 4 ऐसा करके आप 30 राउंड 50 राउंड कर सकते हैं बड़े आराम से। दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं, खाली पेट करें। यह होता है साथियों सहज अग्निसार। देखिए सहज अग्निसार में फिर से, अगर किसी डाउट हो तो फिर से दिखा रहा हूं। यहां रखा 1, 2, 3 सिंपली नाभि को प्रेस करना, चार दोनों उंगलियों पूरा दबाव लगा के 4, 5 ये सहज अग्निसार क्रिया है। तो अग्निसार और सहज अग्निसार दोनों ही बता दिया। अब इसमें कर्म हमेशा ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करें योग में, और न कि हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ जाऊं। योग की बातों को बहुत धीरे 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 आगे चलना है। अब मैं उसके आता हूं एक बार। पीपीटी खोल लेता हूँ, कोई पॉइंट छूटा ना हो तो उसकी चर्चा कर दूंगा। पीपीटी इसीलिए रहता है, कोई पॉइंट छूट ना जाओ तो अदरवाइज बिना पीपीटी के ही बताया जा सकता है। चले जाते हैं। सिद्धासन में बैठें, ये समझ गए आप। आंख बंद रखें, ये भी समझ गए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, हाथों को घुटने पर रखें, और मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाएं, यह भी समझ गए। जब ऐसा लगे कि मन की आंखों से नाभि का क्षेत्र दिखने लगा है, तब फेफड़े में भरी हवा को 3-4 बार में प्रयत्न पूर्वक पूरी तरह से बाहर निकालें। और जब साथी जब बाहर निकालते हैं तो अंदर निर्वात यानी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और इस दौरान जब आप पेट को आगे पीछे करते हैं पूरे ऑर्गन्स का मसाज होता है, वैक्यूम क्लीनिंग इसीलिए बोल रहा हूँ। अब फिर जो है सांस रोककर अपनी क्षमता के मुताबिक पेट को आगे पीछे चलाएं। अपनी क्षमता आप शुरू में 2 बार करिए, 2 से बढ़ाते जाइए। ध्यान क्या रखना है, पेट पूरा अंदर जाएगा और फिर बाहर आएगा, ऊपर नीचे पेट नहीं चलेगा। बीपी वाले लोग सहज अग्निसार क्रिया करेंगे, यह भी मैंने आपको बता दिया। सावधानी क्या है, वही कंधा नहीं हिलना चाहिए। कंधा जैसे मैंने बताया था पेट को ऐसे ऊपर नीचे करना, जब पेट ऊपर नीचे चलने लगता वो नहीं करना है। गले में खराश आ जाना, पेट दर्द इत्यादि ये सब हो सकता है, तो बहुत ही ये नॉर्मल प्रक्रिया है, कुछ बहुत परेशान ना हो। आप ये जरूर करिए, ये क्रिया के बाद एक आध गिलास हल्दी वाला गुनगुना पानी, हल्दी वाला गुनगुना पानी कहीं पी सकते हैं। कहीं शरीर में कोई चोट वगैरह लगता है तो हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, वो ठीक करता है। और इस अभ्यास को धीरे धीरे ही बढ़ाएं, अपनी क्षमता के अनुसार ये अभ्यास करें। बलपूर्वक अभ्यास करने में नुकसान हो सकता है, बलपूर्वक आप अभ्यास न करें। धीरे धीरे योग में कहा जाता है बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कुछ लोग सांस रोक के जबरदस्ती करने की कोशिश कर, नहीं करना है, आप धीरे धीरे करें। कोई यहाँ
जल्दी कर लेंगे, कोई इनाम तो मिलने वाला नहीं, आपको बेनिफिट लेना है। और इसीलिए जनरली कहता है कि योग की बातों को किताब किताब में पढ़ेंगे, कुछ और लिखा होगा, 20 बार करें, 50 बार करें। अब जो किताब में तो लिखा है भाई, वो व्यक्ति जो 10 साल से कर रहा है, वो ये नहीं लिखता कि मैं 10 साल से कर रहा हूँ इसलिए मैं 50 बार कर पा रहा हूँ। आप अभी नए हैं, आप नहीं कर सकते, वो ये नहीं लिखता। लिखना चाहिए किताब वालों को। तो अच्छा साथी, अब यहाँ से इंड हो गया। तो अब देखिए, मैंने पूरी प्रक्रिया कोशिश की कि आपको अच्छा देखिए, अग्निसार है यहाँ हेडिंग, कपालभाति लिखा है, ठीक है। तो अग्निसार क्रिया मैं पूरी तरह से समझा पाया हूँ। वो डाउट आपने लिख लिया होगा, डाउट पूछो तो आप पूछ सकते हैं। और डाउट क्वेश्चन आंसर का पूरा सेशन अलग हुआ, क्वेश्चन आंसर पूछें। और आज के साथियों, हमने पेट को सबसे अच्छे तरीके से क्लीन करना सीखा है, वैक्यूम क्लीनिंग सीखा है। वैक्यूम क्लीन आपके घर में होगा, आप देख रहे होंगे जो मैं क्या कर रहा हूँ। वैक्यूम क्रिएट करके एरिया, पेट एब्डोमन एरिया का मसाज करना, अग्निसार, अपने पेट के एरिया की अग्नि को, अपने पेट के एरिया के सूरज को, अपने जठराग्नि को प्रज्वलित करना। 95% जीवन में आने वाली बीमारियों को आप रोक सकते हैं। साथियों, यहां से मैं प्रेयर करके क्लास को एंड कर रहा हूं। अग्निसार क्रिया मैं आशा करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिने अवतार वरिष्ठाय राम कृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी राम कृष्ण जगत गुरु पाद पद मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहु। नमः श्रीयति राजाय विवेकानंद शूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिने। ओम शांति 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 ही हरि ही ओम। तत्सत् श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतना समय निकाला इस क्लास को अटेंड करने के लिए। देश योग टीम के लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से, जिनके सहयोग से ये क्लासेस चल रही हैं। बहुत बैकग्राउंड, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, सभी लोगों का धन्यवाद। और देश योग चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए अवसर दिया कि मैं आपसे चर्चा कर पाऊँ। और फिर ईश्वर का धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें और आपको मिलाया और ऐसी तकनीकी की व्यवस्था की कि शरीर शोधन जैसी कठिन, जटिल और गुप्त प्रक्रियाओं को भी हम अपने अपने घर में बैठ के सीख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो। धन्यवाद। मैं क्लास को एंड करता हूँ। नमस्ते सर।